हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए बहुत ही आसान है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काफी आसान है ना। मेरी कॉन्सेप्ट लाइन है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कहते क्या है कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस किसके आधार पर दिया गया है ना, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग है ना, किसके आधार पे, स्टेनिंग के आधार पे, ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग है ना, प्रोशेड्यूल किसके आधार पे, प्रोशेड्यूल, ग्राम स्टेनिंग प्रोशेड्यूल है ना, डेवलप्ड बाई कौन सा, क्रिश्चियन डी डुबे साहब ने, क्रिश्चियन डी डुबे कब, 1881 में है ना, 1881 में। देखिए कुछ नहीं डरना है, कहता है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कहता है बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग ऑफ प्रोसीड्यूल डेवलप बाई क्लासिफायर क्रिश्चियन डी डुबे। देखिए इसमें क्या होता है कि हम किसी बैक्टीरिया को आधार पे रंगने का आधार पे स्टेनिंग का मतलब क्या, उसको डाई करना, कलर आधार पर हम किसी भी बैक्टीरिया को उसके डाई के आधार पे, उसके रंगने के आधार पे क्या करते हैं, हम देखते हैं। तो क्रिश्चियन डी डुबे साहब 1881 में इन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया, क्लियर है। अब देखिए बैक्टीरिया इन्होंने कैसे दिया, बैक्टीरिया इन्होंने बताया कि टेक अप ग्राम पॉजिटिव और टेक अप ग्राम नेगेटिव है ना, टेक अप ग्राम स्टेन और दूसरा क्या हुआ है ना, बैक्टीरिया डोंट टेक अप ग्राम स्टेन, दूसरा क्या लिया हमने, बैक्टीरिया डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन। दो आधार पे इन्होंने बांटा है ना, एक स्टेनिंग के आधार पे जो रंग जाएगा उसको बोला टेक अप ग्राम स्टेन, दूसरा बैक्टीरिया डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन। तो एग्जांपल समझ आ गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पर बात करेंगे बैसिलस सबटिलिस, क्या होता है बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस है ना, बैक्टीरिया सबटिलिस है। और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इधर कौन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसका एग्जांपल क्या है, इसे रिशिया कोलाई, ई कोलाई इसे से कोलाई द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राम स्टेप और ग्राम स्टेप कैसे कैसे हम लोग ये करते हैं, तो चलिए नोट डाउन कर लेंगे होंगे आप, तो लगातार आप नोट्स बना रहे होंगे, आपको मजा भी आ रही होगी, बातें आपको समझ में भी आ रही होगी, है कि नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब कैसे कैसे हम लोग ग्राम स्टेप को क्या करते हैं, क्या उसका क्या है, क्रिटेरिया क्या है, कैसे करते हैं हम लोग यहाँ देखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग क्या है, कहता है स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग, स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग क्या क्या है, किस प्रक्रिया को स्टेप करें, कैसे करेंगे है ना। देखिए पहला स्टेप क्या है, बैक्टीरिया अनस्टेन्ड है ना, बैक्टीरिया आर स्टेन्ड, बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे किसे, विथ वीकली एसिडिक, विथ वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक नहीं बल्कि क्या है, अल्कलाइन क्रिस्टल वायलेट, कौन सा, क्रिस्टल वायलेट फिफा में क्या, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जेंसन वायलेट, क्या बोलते हैं, जेंसन वायलेट बोलते हैं। आपने वो देखा है, आपने क्या देखे होंगे, जैसे गांव वगैरह में, विलेज वगैरह में क्या है, या सरकारी गवर्नमेंट में भी क्या है, जब कोई भी न्यूली बर्न लेता है तो उसके नेवल पे जो है ना ब्लू कलर का एक जेंसन वायलेट, उसका नाम भी होता है जेंसन वायलेट, ऐसा नहीं है, और उसका नाम भी होता है जेंसन वायलेट, तो वही वाला कलर लेंगे, ठीक है। ऑल बैक्टीरिया हैव, कहता है कि ऑल बैक्टीरिया ये बिकम ब्लू कलर कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा है ना। फिर आप देखेंगे क्या, ब्लू बैक्टीरिया ट्रीटेड, फिर
इसको ट्रीट करेंगे, ब्लू बैक्टीरिया को क्या करेंगे, ब्लू बैक्टीरिया ट्रीटेड, ब्लू बैक्टीरिया ट्रीटेड कितना परसेंट, हाफ परसेंट ऑफ आयोडीन, कितना परसेंट, हाफ परसेंट आयोडीन, कितना परसेंट लेंगे आयोडीन, हाफ परसेंट, 0.5 है ना, 0.5% ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, 0.5% क्या लेंगे आयोडीन सोल्यूशन लेंगे, फॉलोड बाय वॉशिंग है ना विथ वाटर एंड देन उसको क्या करेंगे एंड देन एब्सोल्यूट है ना क्या मिलाएगा अल्कोहल मिलाएंगे इसमें है ना एब्सोल्यूट अल्कोहल लाइक क्या लाइक एसीटोन में मिलाएंगे ठीक है। अब क्या करता है यहाँ पे बैक्टीरिया रिमेन ब्लू कलर, अब देखेंगे बैक्टीरिया क्या हुआ ब्लू कलर, बैक्टीरिया रिमेन कौन सा कलर ब्लू कलर, बैक्टीरिया रिमेन ब्लू कलर आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड कलरलेस, जो कलर नहीं होगा कलरलेस बैक्टीरिया आर उसको क्या बोल देंगे कलरलेस बैक्टीरिया आर नोन एज क्या बोल देंगे नोन एज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ध्यान से समझिए है ना, तो ध्यान से समझिए हम क्या कर रहा है क्या स्टेरोग्राम स्टेनिंग कैसे कैसे बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। सबसे पहले क्या है बैक्टीरिया आर स्टेन विथ वीकली अल्कलाइन क्रिस्टल वायलेट या जेंसन वायलेट ठीक है जेंसन वायलेट समझ में आ गया आपको। फिर क्या है ऑल बैक्टीरिया बिकम ब्लू कलर, जितना बैक्टीरिया है सब क्या होगा इजी जेंसन वायलेट से उसको कलर करेंगे ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ब्लू बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे कितना परसेंट आयोडीन सॉल्यूशन से हाफ परसेंट आयोडीन सॉल्यूशन से फॉलो बाय वॉशिंग विद वाटर एंड देन एब्सोल्यूट अल्कोहल लाइक एसीटोन, उसमें क्या करेंगे हाफ परसेंट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग अल्कोहल का भी इस्तेमाल करेंगे जैसे कि पानी रहेगा अल्कोहल रहेगा जिसमें क्या है एसीटोन वगैरह रहेगा। फिर क्या है कि बैक्टीरिया रिमेन ब्लू कलर आर ग्राम पॉजिटिव, वैसे बैक्टीरिया जो देखेंगे कि ग्राम ब्लू कलर का होगा उसको क्या बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। लेकिन जो कलर नहीं होगा जो कलरलेस होगा उसको क्या बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका कांसेप्ट लाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो यहां पर समझ में आ गया नोट भी कर ली होगी। अब इसके बाद आती है जो हमारा स्टेप है इंपॉर्टेंट आर्की बैक्टीरिया, क्या है आर्की बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ना। देखिए कौन सा बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ना। आर्की बैक्टीरिया में क्या देखें कहता है कि मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप, कहता है मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप, कहता है मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कैन है ना कैन लिव अंडर इसके अंदर मोस्ट कौन सा हर्ष मोस्ट हर्ष हैबिटेट, आप कभी सोच भी नहीं सकते वहां मिल सकता है बैक्टीरिया। मोस्ट हर्ष हैबिटेट है ना हैबिटेट मतलब कि क्या डेंजर, जहां लगता है खतरनाक इलाका हो वहां मिल सकता है डेंजर। ड्यू टू डिफरेंशिएशन क्या अलग अलग करके है ना ड्यू टू डिफरेंशिएशन है ना इंडियन सिल्वर सबका अलग अलग सिल्वर है ना ये सिल्वर। लेकिन एक बात क्लियर है कि बैक्टीरिया का सिल्वर बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन हो पॉलीसेक्राइड हो एन 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 ग्लूटामाइन हो एन ग्लूटामाइक एसिड हो सब जान चुके हैं है ना। अब टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया कहता है कि टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया तो आप लगातार नोट्स अच्छा नोट सुनाइए आप है ना। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया हम देखेंगे क्या हेलोफिल्स थर्मोफिलिस है ना क्या आएगा हेलोफिल्स हेलोफिल्स में आप देखेंगे क्या कहाँ मिलेगा फाउंड इन स्टर्निकल्स फाउंड इन
एक्सटर्मिसाल्टी फाउंड इन एक्सटर्मिसाल्टी एरिया, फाउंड एक्सटर्मिसाल्टी एरिया में होगा, क्लियर है। दूसरा आएगा क्या, थर्मोएसिडोफिल, दूसरा क्या आएगा, थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स आएगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या, फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग्स में, फाउंड इन कहां, हॉट स्प्रिंग्स में, क्लियर है। फिर है मिथेनोजेंस, 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 मिथेनोजेंस में क्या है, फाउंड इन मोस्टली, है ना, फाउंड इन मोस्टली कहां मिलेगा, फाउंड इन मोस्टली, है ना, इन मोस्टली इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, इन गट ऑफ जितने भी ज्वाली करने वाले एनिमल्स है, गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, ऊंट हो, है ना, तो उसमें मिलेगा, फाउंड इन मोस्टली गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, लिख लीजिए एनिमल्स, दैट इज काउ हो, ऑक्स हो, है ना, कैमल हो, एक्स गोट हो, एटीसी, उसमें मिलेगा मिथेनोजेंस। तो काफी आसान है, यहाँ पे देखें आप, देख रहे हैं आर्किबैक्टीरिया, कहता है कि मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जितना भी पुराने बैक्टीरिया का ग्रुप था उसमें आएगी आर्किबैक्टीरिया में आएगा। मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कैन लिव अंडर मोस्ट हार्श हैबिटेट, जहां डेंजर जगह हो, है ना, ड्यू टू डिफरेंशिएशन इन दिस वे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका सेल क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, अलग टाइप का होता है। फिर क्या कर रहा है, टाइप्स ऑफ आर्किबैक्टीरिया, हैलोफिल्स हो गया, थर्मोसिडोफाइल्स हो गया, मिथेनोजेंस हो गया। हैलोफाइल्स में कहता है फाउंड इन स्टर्मिसाल्टी एरिया, मतलब कि आप अभी वहां सोच भी नहीं सकते हैं कि वो साल्टी इलाके में वहां मिलेगा उसको, वैसा बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में मिलता है उसको बोलते हैं क्या, हैलोफाइल्स बोलते हैं। थर्मोसिडोफाइल्स फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, जहां हॉट स्प्रिंग चिमनी वगैरह हो वहां पे भी मिलता है बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं थर्मोसिडोफाइल। मिथेनोजेंस का मतलब क्या, फाउंड इन मोस्टली इन रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब वैसा एनिमल जो क्या ज्वाली करता हो, फूड वगैरह खा लिया, अब बैठ खाने के बाद मनुष्य क्या कर रहा है, चर्बी कर रहा है, अंदर का मटेरियल आगे बाहर निकाल रहा है, दिस एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल, जुआली करना, जैसे आप देखेंगे काऊ है, ऑक्स है ना, कैमल है, गोट है, सब क्या है जी, तो इस रूमिनेंट एनिमल्स है। तो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई पूछेगा कि मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, थर्मोसिडोफाइल्स बैक्टीरिया, हैलोफाइल्स किस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो आपको आना चाहिए आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, क्लियर है। तो आर्की बैक्टीरिया के बाद बात करें हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में, है ना। तो आई होप यहाँ आपको मजा आ रहा होगा, लेक्चर आप नोट्स बना रहे होंगे और याद हो गया, ये एक रेगुलर क्लास है ना, इट इज रेगुलर क्लास। अब आप लगता है मैं तो कंटेंट डाल रहा हूँ, आप लगातार इसको बने रहे, है ना। तो अब यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ यू बैक्टीरिया के बारे में, क्या होता है यू बैक्टीरिया। देखिए यू बैक्टीरिया बड़ा आसान है, तो यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया कहते हैं रिक्वायर क्या है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, ये जो है ना जी क्या है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है ना। हैबिटेट कहाँ दिखेगा, हैबिटेट, हैबिटेट दिखेगा आपको कॉस्मोपोलिटन नेचर का होता है, ब्रह्म नेचर का होता है, कॉस्मोपोलिटन नेचर का होगा, सेल वॉल है ना सेल वॉल हैविंग इसका रिजिड होगा, काफी हार्ड होगा, है ना, हैविंग रिजिड हार्ड होगा, अमीनो एसिड का बना रहेगा, क्लियर है। अब आगे देखिए न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन तो इसमें दोनों टाइप का हो जाएगी, बोथ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दिख रहा है, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो दोनों टाइप का, बोथ सेक्सुअल एंड बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दोनों करेगा, सेक्सुअल भी करेगा और एसेक्सुअल भी करेगा, क्लियर है। तो यहाँ तक आप नोट्स कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट था की बैक्टीरिया के बारे में, यही सब बैक्टीरिया के बारे में। तो क्या था बैक्टीरिया में, कहता है कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है हैबिटेट कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन का मतलब कि सब जगह, कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या, सब जगह पे।
सर्वल हैवी रिजिड सर्वल एंड मेड ऑफ विसमर पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब मेनी, सेकेराइड का मतलब शुगर है ना, एंड अमीनो एसिड। न्यूट्रिशन क्या है, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक टाइप का रहेगा। रिप्रोडक्शन क्या है, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल करेगा। कौन ये आपने देखा, ये बैक्टीरिया के बारे में देखा है ना। अब बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस ऑफ यू बैक्टीरिया है ना, इंपॉर्टेंस इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है इंपॉर्टेंस है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ यहाँ पे यू बैक्टीरिया लिख सकते हैं ना, यू बैक्टीरिया के बारे में लिख रहे हैं। यू बैक्टीरिया क्या कहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्या लिखा, नाइट्रोजन को फिक्सेशन में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए, आपको पता है कि इन्वायरमेंट में जो है 28% क्या है नाइट्रोजन है, उसमें इन्वायरमेंट हेल्प करेगा। क्या नाम है, राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। राइजोबियम के एक और नाम है जिसको बोलते हैं एरो राइजोबियम, एरो राइजोबियम, राइजोबियम दूसरा एरो राइजोबियम। हेल्प इन मेकिंग कर्ड, दही आप जो खाते हैं उसमें हेल्प इन मेकिंग कर्ड, हेल्प इन मेकिंग कर्ड दही को जमाने में। आपको पता होगा कौन सा बैक्टीरिया है, लैम, लैक्टिक एसिड बैसिलस, लैक्टिक एसिड बैसिलस है ना। उसमें आप देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में, आप देखेंगे है ना प्रोडक्शन ऑफ इसमें भी एंटीबायोटिक्स में आप देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में देखेंगे। जैसे आप देखेंगे बैसिलस हो गया है ना, बैसिलस बैसिलस हो गया, बैसिलस लिसेन फॉर्मिश हो गया, लिसेन फॉर्मिश हो गया है ना, फॉर्मिश क्या होगा, पेनिसिलिन हो गया है, पेनिसिलिन को बनाने में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं है कि नहीं। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ नेचुरल डिकम्पोजर, इसके लिए इंपॉर्टेंट ऑफ नेचुरल डिकम्पोजर, नेचुरल डिकम्पोजर्स में नेचुरल ऑफ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स में आपको लिखने मिलेगा है ना। जैसे कि फ्लेवो बैक्टीरियम हो गया, क्या हो गया, फ्लेवो बैक्टीरियम हो गया। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्ट लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ यू बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम आर प्रेजेंट इन द नूडल्स है ना, नूडल्स, नूडल्स किसके नूडल्स में, लेगुमिनस प्लांट के नूडल्स में, इसके लेगुमिनस प्लांट के रूट में मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एराइजोबियम। नाउ हैव बीन मेकिंग कर्ड, नाउ इज ए एलबी लैक्टिक एसिड एंड बैसिलस, इट मोस्ट इंपोर्टेंट बैक्टीरिया आर फाउंड इन द कर्ड, एलबी लैक्टिक एसिड बैसिलस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बैसिलस लिसिनेन फॉर्मिश एंड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पता आपको बता दूं मैं, पेनिसिलिन मार्केट में 800 और 400 आएगा। लोग क्या करते हैं, लोग कितना बोले 8 लाख का प्रिंटर सभा की, प्रिंटर सभा होती है, अरे 8 लाख लिखा हुआ है, 8 लाख लिखा हुआ है, ये क्या है 800 है, लेकिन मार्केट में आपको वही नाम दूसरा नाम बोलेगा, आपको वही बोलेगा, 8 लाख दीजिए, 4 लाख दीजिए। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक ये बना आपको पेंसिलिन, आप जान चुके हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल डिकम्पोजर्स में फ्लेवो बैक्टीरियम आर यूज इन द इंपॉर्टेंट नेचुरल डिकम्पोजर्स में, मतलब कि कोई भी चीज को सड़ाने में गलाने में डिकम्पोजर का काम करेगा। तो यहाँ ये है कि नहीं, आप समझ सकते हैं कि आप इतना कुछ आप पढ़ चुके हैं, पर ठीक है लेक्चर को आज ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, 15-20 मिनट ठीक है, आप लगातार बने रहें। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लगातार नोट्स ना करें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है, इतना छोड़ता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट।